उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर रौली ग्वाड़ घंगराण में महिलाएं राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 25 मार्च से 8 अप्रैल तक लैंटाना की झाड़ियों से फर्नीचर बनाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। बता दें कि लैंटाना झाड़ियां होती हैं और इसमें खिलने वाले फूल भी बेहद जहरीले होते हैं। यह किसी भी फसल के साथ साथ पूरी जमीन को भी खराब कर देते हैं। लेकिन इन्हीं लैंटेना झाड़ियों से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से चमोली जिले की महिलाएं बेहद सुंदर और आकर्षक फर्नीचर बना रही हैं, जो न सिर्फ देखने में सुंदर हैं, बल्कि इसके साथ साथ बेहद किफायती भी हैं। मेरा नाम श्रीमती दीपा नेगी है और हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इन्होंने महिलाओं को अच्छी अच्छी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयास किया है और हमारी महिलाएं आज मतलब इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सर, जो लैंटीना झाड़ी है वो मिसयूज थी, हमारी जमीन को बंजर करी थी, लेकिन हमें सर के द्वारा ये बताया गया कि इसमें मतलब ये यूज कर सकते हैं, हम इसको कुछ बना सकते हैं। तो हमें मैडम सैलजा मैडम का भी हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया और हमें लैंटीना झाड़ी से मतलब क्या क्या बना सकते हैं उसके बारे में हमें बताया और यहाँ हमें सिखाया गया और ये महिलाओं ने जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया है। और अब महिलाएं इससे मतलब आगे भी बहुत कुछ बनाएंगी, जैसे कि हमें वन विभाग से भी 40 डस्टबिनों का जो है आया है कि बनाना है आपने और रुद्रनाथ मार्ग पे इसको लगाना है। तो महिलाओं ने इसमें हामी भरी कि हम बनाएंगे और इससे हम जो है अपनी आजीविका बढ़ाएंगे और अपने गांव और आजीविका मिशन का नाम रोशन करेंगे। नाम श्रीमती सरावत, मैं ग्राम नेत से और हम NRLM से आजीविका मिशन से है और हम यहाँ पे लैंटना का काम कर रहे हैं और इसके लिए हमने यहाँ पे हर काम, जैसे हमने यहाँ पे चेयर टेबल कुर्सी वो टोकरी डस्टबिन और हर चीज़ें बनाई है, जैसे फोटो फ्रेम गुलदस्ता ये चीज़ें बनाई हैं। पहले हमको इसके बारे में इतना पता नहीं था, हम इसको लकड़ी में यूज़ करते थे, जलाते थे, हमको इतना पता नहीं था कि ये ऐसे भी यूज़ हो सकता है, पर अब हमको पता चल गया है कि ये अच्छे से तरीके से यूज़ होता है। एक तरफ से हमारे बंजर जमीन साफ होती है और उसमें वहाँ से हम इसको काट के ये यूज़ में आते हैं और पहले तो ऐसे इसने पूरी ज़मीन हमारी बंजर कर दी थी, पेड़ पौधे सारे नष्ट कर दिए थे। अब वहाँ भी दोनों तरफ से हमको फ़ायदा हो रहा है, वहाँ से काट के वो बंजर ज़मीन साफ हो जाएगी और यहाँ से हमको ये सामान टोकरी टाकरी बन के हमारे ये भी काम आ जाएगा यूज़ में आगे। चमोली जिले के गोपेश्वर से न्यूज़ 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।